पहले ट्रिप के टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? 17 ईयर इंटरनेशनल ट्रिप। जैसे कि देखिए हमारे चैनल पर एक काफ़ी पॉपुलर सवाल है, वैसे तो आपने बताया कि मैं यूट्यूब को एज अ बिजनेस नहीं ले रहा हूँ, फिर भी अगर आप बताना चाहेंगे राउंड फिगर में कि कितना यूट्यूब से इनकम हो जाता है पर मंथ। यूट्यूब से इनकम आपको ही पता है काफ़ी डिपेंड करता है व्यूज या तो कोविड के टाइम में काफ़ी कम हो गया था वगैरह। सो बट लाइक मैं बता देता हूँ टोटल इनकम जो मतलब आज से जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मंगोलिया में, तो मैं अगस्त 2019 से लेके मान लो आप नवंबर 2020 तक मेरे टोटल पैसे आए हैं यूट्यूब एडसेंस से वो है अराउंड 20। दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार और गजब के इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है नोमैड शुभम, इनकी उम्र कुछ अभी है 19 साल और 19 साल के उम्र में इन्होंने गजब गजब के कारनामे दिखाए हैं। कारनामे कुछ ऐसे कि इन्होंने लगभग आधी दुनिया घूम ली है वो भी बिना पैसों के। तो शुभम जी स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच अपने स्वागत पे बुलाने अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो शुभम जी मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम शुभम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और अराउंड तीन सालों से मैं सिर्फ दुनिया घूम रहा हूँ, अलग अलग देशों जा रहा हूँ, अलग अलग जगहों को देख रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग लोगों से कल्चर को देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है तीन सालों में दुनिया घूमते हुए, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने पिछले तीन सालों में। शुभम जी मुझे जब आपके बारे में पता चला कि ये लड़का बिना पैसों के घूम रहा है तो ये काफ़ी यूनिक लगा कि आप कैसे लिफ्ट लेकर हिच हाइकिंग करके आप घूमते हैं। आपने बताया है कुछ कि 50,000 किलोमीटर आपने घूम लिया। या 50,000 किलोमीटर बाय हिच हाइकिंग मैंने की है, मतलब लिफ्ट मांगा है मैंने 50,000 किलोमीटर। ओके, तो शुरुआत कैसे हुई जरा बताइए कि आपका घूमने का जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आपने कैसे सोचा कि मुझे दुनिया घूमना है। आई थिंक बात ये है अराउंड सितंबर 2017 की, अराउंड तीन साल पहले की। उस समय मैं पढ़ाई को क्या करता था कोटा में, मैं इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के कर रहा था कोटा में, जिस तरह हर एक बिहारी करते हैं, बहुत सारे बिहारी जाते हैं वहाँ पे, बिहारी बड़े पहने कोटा में, तो मैं भी उसी रास्ते में था। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ देखे यूट्यूब के ऊपर, वीडियोज़ देखे, एक वीडियो था टेड टॉक था, हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी, तो मुझे उस वीडियो देख के मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने बताया था कि हिचहाइकिंग कैसे करते हैं, काउचसर्फिंग कैसे करते हैं, ऐसी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊँगा बाद में, तो मुझे लगा ये सब मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वहीं से, मुझे लगा मैं करूँगा, तो पढ़ाई लिखाई वहीं से छूट गया, मतलब मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, फिर मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और फिर घूमने लगा आसपास के सिटीज़ गया। मैं राजस्थान में था कोटा में, तो वहाँ से मैं जैसलमेर वगैरह चला गया था घूमने के लिए, बीकानेर चला गया था घूमने के लिए, और इसके बाद उसके एक सालों के बाद मैंने फिर इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट कर दी। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप घूमने के लिए निकले? तो शुरू में तो मैंने बताया कि मैं लंबा ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक पढ़ाई के मामले से जा रहा हूँ कि पता करता हूँ कॉलेज वगैरह कैसा। अच्छा। जब मैंने पहला ट्रिप किया था तो मैंने घर में कहा कि क्या था कि मैं कॉलेज के बारे में पता लगाने जाऊँगा, और उनको लगता था कि मैं कॉलेज का पता लगाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली चला गया था दूसरी जगह घूमने के लिए, और मैं कॉलेज का भी गया ही नहीं पता लगाने के लिए, मैं गया था रशिया और कजाकिस्तान, मेरी पहली ट्रिप थी एक महीने की। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल शेयर मार्केट का काफी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ऐसे में बिना नॉलेज का अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, यह 30 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होता है, साथ ही साथ आपको 0 रुपीज मेंटेनेंस चार्ज, और अकाउंट ओपन करते ही आपको मिलता है पर्सनल स्टॉक एडवाइजर जो आपको समय समय पर एडवाइस करता रहता है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा शेयर सेल करना है। इसके अलावा आपको डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर डिटेल में रिपोर्ट मिलते रहते हैं। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पर आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ रेडीमेड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मिलते हैं, साथ ही साथ अगर आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, तो जल्दी से अकाउंट ओपन करिए क्योंकि ऑफर चल रहा है इस पे, जहां पर आपको मिलेगा 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और साथ ही साथ 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जल्द से चेकआउट करें। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। पहले ट्रिप के टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? 17 ईयर इंटरनेशनल ट्रिप। ओके, 17 इयर्स में ही आपने इंटरनेशनल ट्रिप कर लिया, क्या बात है। और उसके बाद आपने घूमना शुरू किया तो रुके ही नहीं, लगातार आपने कितनी कंट्रीज आपने घूम ली अभी तक? अभी तक 23 to 25 कंट्रीज। अमेजिंग, मतलब मैंने तो कुछ वीडियोस आपके देखे हैं एंड मेरा भाई एक्चुअली आपका वीडियो देख रहा था, तो मैंने बोला कौन है, तो उसने बताया कि लड़का बिना पैसे के घूम रहा है।
तो मैंने बोला अच्छा लाओ देखता हूँ, इसके वीडियोस देखता हूँ। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा कि कोई बंदा है जो बिहार का है। और आपकी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि आप लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम होती थी तो आपने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके उस चीज़ को किया, उसके बारे में ज़रा बताइए। सो मुझे याद है कि बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ गया हूँ तो सारी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, बिहार से बिलोंग करता हूँ। सो शुरू में मैं इंडिया के बाहर गया तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी लैंग्वेजेस की, फिर वही गूगल ट्रांसलेटर का सहारा था हर बात, मतलब यू नो लाइक सम टाइम हैंड लैंग्वेज हो जाता है, कुछ बोल दो ऐसे बोल दो, पानी या चाय कुछ ना कुछ तो मिल ही जाती है। ओके तो अपने जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि एक जगह पे तो आप चले गए थे ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई नहीं था, ऐसे बहुत जगह पे हुआ होगा। बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ क्योंकि मैंने जो कंट्रीज ट्रैवल किए वो काफ़ी ऑर्बिट कंट्रीज है, लाइक मंगोलिया हो गया, रशिया का यकूतिया वाला पार्ट हो गया, या ऑल द स्टांस हो गया, वो सब कंट्री थोड़ी ऑर्बिट कंट्रीज है, वहाँ पर उतनी टूरिज्म है नहीं तो वो सब कंट्रीज में थोड़ा ट्रैवल करना मुश्किल है थोड़ा सा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो क्या एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का? एक्सपीरियंस काफ़ी वाइल्ड रहा, आप किसी भी कंट्री चले जाओ, मंगोलिया मान लो आप या चाइना मान लो, मंगोलिया में मैं एक नोमेडिक बाइक के साथ ट्रैवल कर रहा था तो हम लोगों ने एक डेजर्ट को क्रॉस किया, दो दिनों तक पानी के तलाश में घूमता रहा एक गोबी डेजर्ट में, तो ये सब एक्सपीरियंस था या दो दिनों तक या डर नहीं लगता था? काट लिया डर मुझे सिर्फ पहले ट्रिप में लगा था, लेकिन उसके बाद डर लगना पता नहीं अचानक से बंद हो गया, अब डर नहीं लगता, उतना डर नहीं लगता। तो ऐसा दिमाग में क्या आया कि यार मुझे दुनिया घूमनी है, ऐसा क्या आया दिमाग में? मैंने कहा शुरुआती में कि मैंने कुछ वीडियोस देखे तो मुझे लगा मुझे भी ये करना है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं करना भी है और मेरी चाहत थी कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं चल निकल जाता हूँ। अब सोचने से तो कुछ होगा नहीं, करना ही पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, तो मैंने पहला स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया और अब 3 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। ओके मतलब आपने पढ़ाई छोड़ के आपने घूमने को अपना मेन प्रोफेशन बना लिया? प्रोफेशन बना लिया, मुझे घूमना ही है। शुरू में YouTube वगैरह का कोई तो पता नहीं था क्या YouTube क्या होता है नहीं होता है, तो फिर मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा था 1.5 सालों तक, तो मैंने अपनी ट्रैवल की जीवन के एक कहीं भी चीज़ें पब्लिश नहीं की, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, इनफैक्ट फेसबुक वगैरह भी पोस्ट नहीं डाले मैंने शुरुआती 1.5 सालों के ट्रिप के। तो शुरुआती ट्रिप के पैसे आपको कहाँ से मिलते थे, जो भी मिनिमम कॉस्ट लगते थे? मैं कहूँगा काफ़ी सस्ते में घूमता था, शुरू में भी काफ़ी सस्ते में घूमता था, अभी सोचता हूँ कितने सस्ते में हो जाए, तो मैं जनरली जो एक्सपेंड करता था शुरुआती दिनों में ऑन एन एवरेज लाइक 400 to 500 रुपीज़ पर डे, इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर रहा हूँ, तो 400 to 500 रुपये, मतलब आज के ज़माने में ऑनलाइन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ब्लॉग्स देख सकते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से आप कर सकते हो, रेफरल वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गए हैं आजकल। तो आप कैसे करते थे? मैं ऑनलाइन ट्यूशंस लेता था और साथ में कभी कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह करता था, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह होता था वो करता था मैं। और अभी 3 साल हो गए आपको घूमते हुए, राइट? या तो अभी तो यूट्यूब से आप अच्छा खासा अमाउंट बनाते होंगे? या अभी यूट्यूब से आ जाते हैं, जबकि मुझे अलग जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ अभी यूट्यूब के जरिए। मान लीजिए स्टार्टिंग के टाइम के आपके परिवार वालों का रिएक्शन एंड अभी का रिएक्शन कैसा, कितना चेंज हुआ है अभी तक? कुछ ज़्यादा नहीं है, वो बोल रहे हैं YouTube वगैरह कोई एज ए कैरियर नहीं है, कितना लंबा टिकेगा, बस अभी पढ़ाई में लग जाओ, कुछ जॉब्स करो, सरकारी जॉब्स करो, यू नो बिहार में जैसा है आपको पता ही है। ओके तो अभी क्या आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में क्या करोगे आप? अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो अगले 4-5 साल तक तो इसी तरह घूमना है, फिर देखा जाएगा क्या करना है, यू नो आइडिया अलग अलग आते रहते हैं हर समय, क्या पता 3 साल पहले क्या पता था कि मैं लंबा घूमूंगा इतना। तो इतने सारे कंट्रीज में आपने घूमा, आपको सबसे अच्छा कंट्री कौन सा लगा? सबसे हार्ड क्वेश्चन है लोगों से पूछते हैं कि सबसे अच्छी कंट्री कौन सी, सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, बहुत सारे सब कंट्रीज़ में अपना मजा है, कुछ कंट्रीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है, कुछ कंट्रीज़ में कल्चर अच्छी है, कुछ कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सो मुझे अगर मेरा फेवरेट रहा मैं जाना चाहूँगा तो वो है मंगोलिया, म्यांमार और यकूतिया रशिया। ओके और मैंने सुना है कि आपने एक सिंगल ट्रिप में आपने बहुत सारे कंट्रीज को घुमा था लगातार। सो मैं इंडिया से निकला था 1.5 साल पहले, जब तो इंडिया से मैं गया बांग्लादेश, वापस से इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, नहीं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, दैन अजरबैजान में कोविड वगैरह आ गया, वरना मेरा प्लान था कि मैं साउथ अफ्रीका बाय लैंड ही जाऊँ, बट हो नहीं पाया था। फिर मैं अजरबैजान से फ्लाइट करके सर्बिया चला गया, सर्बिया से मैं चला गया अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, एंड देन यूएई, एंड देन अभी घर पे आया हूँ, बस
दो तीन हफ्ते के लिए। लाइक डेढ़ साल पहले आप निकले थे और अभी आए हो घर पे? अभी मैं आया हूँ घर पे। तो आपको मतलब घर की याद नहीं आती थी? ऐसी नहीं कि याद नहीं आती थी, लेकिन हाँ वीडियो कॉलिंग वगैरह हो गई, नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो हो जाता है घर से बहुत पहले से भी। मैं पहले ही रहता था घर के बाहर ही रहता था हमेशा बचपन से ही, स्कूलिंग वगैरह के चक्कर में। मतलब आपने इतनी कंट्रीज आपने अकेले घूम ली। मुझे तो इंडिया में ही किसी एक सिटी से दूसरे सिटी जाना होता है तो मेरे को टेंशन होता है भाई कोई सामान छूट ना जाए यार, इतना सारा सामान है कैसे लेके जाएंगे। तो आपको मतलब कुछ इस तरह का डर नहीं रहता था कि कुछ हो जाएगा मुझे या फिर मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे? फिर शुरुआती ट्रिप में काफ़ी डर था, बहुत सारा डर लग रहा था। इनफैक्ट जब मैं पहली ट्रिप में मैंने व्हाट्सएप लोकेशन अपने फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ शेयर कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म होता गया और आज के टाइम में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता जब तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो जाए। ओके तो आप क्या चाहते हो लोगों को ट्रैवल करने के लिए, आप बोलना चाहोगे कि ट्रैवल करना चाहिए सबको? या बिल्कुल, दुनिया बहुत खूबसूरत है दुनिया, और मतलब हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं वो बहुत ही नेगेटिव पार्ट देखते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट है जो नॉर्मल लाइफ चलती है वो लोग देखते ही नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दुनिया में बहुत फ्रेंडली हैं और आज तक मुझे बहुत ही कम बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक 99.9% मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, सिर्फ 0.1% बुरा एक्सपीरियंस है। मैं तो अपना सामान कहीं भी किसी भी बैग गैस स्टेशन या कहीं पर रख देता हूँ और छोटा सा सामान लेके जहाँ पे जिसमें मेरा इंपॉर्टेंट लाइक कैमरा लैपटॉप रहता है वो चलता हूँ, बाकी सब छोड़ देता हूँ जो ले जाए। मेरे पास सबसे पहली बात सामान ज़्यादा है ही नहीं। मेरे पास अगर सामान की बात करें तो चार जोड़ी कपड़े हैं, एक सोने का स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग मैट है, और एक छोटा सा तकिया है, और एक टेंट है वो एक बैग में चला गया, और लैपटॉप बैग में लैपटॉप, एक छोटा सा कैमरा। तो मैं बहुत ही कम में ट्रैवल करता हूँ, मेरा जो टोटल वजन का वेट है लाइक 12 किलो में मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, वही मेरा घर है। अच्छा तो अपने इस हिच हाइकिंग के बारे में बताइए कि कैसे किया जाए, कोई टिप वगैरह देना चाहेंगे फ्री में कैसे ट्रैवल किया जाए? सो अब हिच हाइकिंग का लाइक टिप्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, सिटी के अंदर लिफ्ट मांग नहीं सकते, सिटी के बाहर जाओ आप लिफ्ट मांगो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हिच हाइकिंग वो है पेशेंस, आपको वेट करना पड़ेगा, आप ऐसा सोच के चलो कि आपके लिए कोई रुकेगा ही नहीं, आप रोड पे जाओ। हिचाइकिंग इज लाइक समथिंग लिफ्ट मांगना हो गया, तो रोड पे जाओ आप लिफ्ट मांगो, हाथ खड़ा करो ऐसे करके, हाय जाने दो मुझे, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना, एकदम चिल रहें। कभी कभी आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, मुझे याद है मैं जब जकूतिया में था तो मैंने 3 दिनों तक लगातार वेट किया था एक कैफे में, थाईलैंड में 2 दिनों तक वेट किया था, अलग अलग जगह में इतने मैं घंटे वेट करता था, 10-11 घंटे में एक जगह खड़े रह जाता था, फिर भी मैंने काफ़ी वेट किया। लेकिन हाँ वे पेशेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी है कि ठीक है अब लिफ्ट चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए। तो वन ऑफ द थिंग मेरे ट्रैवलिंग में क्या है कि मेरे पास टाइम है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 दिनों का टाइम है, 10 दिनों में सारे ये सब चीज़ें करके आनी है, मेरे पास 1 महीने का समय रहता है जनरली एक कंट्रीज में, तो आराम से घूमो। ओके तो शुभम जी आप कोई ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा ट्रैवलिंग मोमेंट? बहुत सारे मोमेंट्स थे कि जहाँ मैं कभी भूल नहीं सकता, जैसे कि दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में जाना, गोबी डेजर्ट में घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना, कुछ फैमिली से मिला था जो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था उनको बाय बाय बोलने वक्त, रशियन माफिया से मिलना, जब चाइनीज़ के चाइना ट्रेन में हिचाइक करना, या तो फिर तंजानिया के ट्रेन में हिचाइक करना, वो सब मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। क्या बात है। तो मैंने सुना है कि आप एक ऐसे जगह पर गए थे जहाँ पर इंडिया के आप 4th पर्सन हो। मैं इंडिया के 4th पर्सन था जो मैं उस सिटी में विजिट किया था। काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, लोग जाते ही नहीं है, लाइक -70 -72 वहाँ का मिनिमम तापमान था, और मैं जब मैं गया था वहाँ पे -55 था। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया था। ओके तो आप कैसे अपने आप को ऐसे गर्म कैसे रखते थे इतनी ठंड में? मैं जब स्टार्ट किया था ट्रिप, मैंने एक्चुअली मेरा उधर जाने का कोई प्लान ही नहीं था, तो फिर मैंने एक वीडियोस देखी अपने यूट्यूब पे, तो मुझे पता चला कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जो कि रशिया में है, मेरे से अराउंड उस समय 8-9 हज़ार किलोमीटर दूर था, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने हिचाइक किया, ट्रेन लिया और वहाँ पहुँच गया जो बिगेस्ट सिटी थी याकूत्स। याकूत्स पहुँचने के बाद काफ़ी लोगों से मैं मिला, रशियन लोगों से, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारे कपड़े गिफ्ट दिए, लाइक कपड़े दिए जो लोकल्स कपड़े वगैरह होते हैं, तो उन लोगों के कपड़े, क्योंकि मेरे पास -55 वाला कपड़ा नहीं था, मेरे पास जो था वही 5-10 डिग्री वाला कपड़ा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे कपड़े दिया, मैंने कुछ सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे, तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 लेयर का कपड़ा पहनता था, 5 लेयर ऑफ क्लोथ्स। ओके शुभम जी स्टे करने के लिए आप क्या करते थे, फ्री में रहते थे या फिर आप पैसे खर्च करते थे? बहुत सारे देशों में मैंने काउचसर्फिंग की है। काउचसर्फिंग का एक साधारण सा मतलब होता है कि मैं कोई मान लो कोई सिटी जा रहा हूँ दिल्ली,
तो मैं दिल्ली में जो वहाँ पे लोग हैं उनसे, मतलब जो रजिस्टर होते हैं उस वेबसाइट पे, तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सुबामू में दुनिया घूम रहा हूँ, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ इस बदले में, यू नो लाइक एज ए फैमिली टाइप, एज ए गेस्ट टाइप? तो वो लोग हाँ, जनरली हाँ कर देते हैं। और ऐसे ऐसे जगह मैं अराउंड 60-70 घर पे रहा हूँ इस तरह अभी तक, तो लाइक काउच सर्फिंग ऑफिशियली। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खुद ऑफर कर देते हैं, आ जाओ मेरे घर पे रह लो। बहुत बार वो ऐसा हुआ है कि मैं टेंट लगा लेता हूँ, टेंट लगा के कहीं भी सो जाता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रेलवे स्टेशन पर सोया हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गैस स्टेशन पर सोया हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पुलिस स्टेशन पर भी सोया हूँ। और या बहुत एक बार ऐसा हुआ है कि मैं माफिया के घर पर भी सोया था रशिया में। तो अलग 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 एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगह पर मैं सो चुका हूँ। मतलब आपने माफिया लोगों को भी दोस्त बना लिया? या मुझे याद है मैं मंगोलिया से रशिया का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो एक भाई साहब मिले थे, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त वगैरह माफिया है, मेरे घर पे सोना चाहोगे, रहना चाहोगे रात को? मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं रह लेता हूँ। तो मैं उनके घर पे रहा था, मुझे याद है उलान उदी नाम की सिटी थी वो रशियन बॉर्डर के पास। ओके, तो अंदर से मतलब कुछ ऐसा डर जैसा लग रहा था कि यार देखते क्या होता है? जाने में तो डर लग रहा था जाने में तो काफी डर लग रहा था, लेकिन एक तरह से मुझे एक्साइटमेंट भी थी, चलो माफिया लोग को भी देखता हूँ कैसा रहते हैं नहीं रहते हैं वो लोग। रात को मतलब डर डर के सो रहा था, लेकिन सुबह सुबह जब निकल गया तो मुझे लगा ठीक ही, अब अच्छा किया मैं आ गया इन लोगों के पास। ओके, तो ट्रैवल करने के लिए अभी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर भी करती है? कुछ कंपनी स्पॉन्सर करती है, बट मैं मतलब हाँ अभी उतने स्पॉन्सर्स पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस घूम रहा हूँ अभी। मतलब मेरा जो अभी मैंने यूट्यूब वगैरह को बिजनेस नहीं बनाया, ऐसे साइड चल रहा है कि कुछ पैसे आ जाते हैं उससे मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, बस वही है अभी जो मेरा मेन मोटिव है। जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो ट्रैवल ही करना है अभी, टोटली मैं बिजनेस मतलब वो नहीं है कि टोटली अभी इसी के ऊपर फोकस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी इंडिया में तो काफ़ी अभी ट्रैवल व्लॉगर्स हो चुके हैं, और आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका चैनल लगा है, चैनल बोल लें या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी स्टोरी है सबसे इंटरेस्टिंग लगी है। कई लोग तो लाइक शौक से घूमते हैं, बट आपका एक स्पिरिट दिखता है, एक पैशन दिखता है कि आप ट्रैवलर हो। जी या मैं वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मैं घूमता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस बनाने के लिए घूमता हूँ। राइट वही कह रहा हूँ मैं कि आप रियल में ट्रैवल करते हो फिर जाके आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट करने के लिए घूम रहे हो। राइट यस जी तो यही फर्क है। एंड काफी अच्छा लगा शुभम जी आपसे बात करके। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी कंट्रीज आपने घूम ली, आपका इतना बढ़िया यूट्यूब चैनल चल रहा है, काफी पॉपुलर हो गए, और आपके इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छे खासे फॉलोअर है, राइट? हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा था कि सतीश के वीडियोस पर आने का मौका मिलेगा आपको? मैंने आपकी वीडियोस मतलब बहुत पहले देखी थी, आज से 3 साल पहले देखी थी, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे कभी। ओके, कौन सा वीडियो आपने देखा था सबसे पहले अगर कोई याद हो? मैंने कुछ वीडियोस आपके लाइक इंटरव्यूज के देखे थे। ओके कृतिका गोयल का मैंने वीडियो देखा था आपके साथ। राइट, हाँ वो भी एक ट्रैवल ब्लॉगर है, काफी अच्छी। या वो ट्रैवल ब्लॉगर है, तो वो भी ट्रैवल वगैरह अच्छी करती है। या तो यही था। ओके, तो थैंक यू। और एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि देखिए हमारे चैनल पर एक काफी पॉपुलर सवाल है, वैसे तो आपने बताया कि मैं यूट्यूब को एज अ बिजनेस नहीं ले रहा हूँ, फिर भी अगर आप बताना चाहेंगे राउंड फिगर में कि कितना यूट्यूब से इनकम हो जाता है पर मंथ? यूट्यूब से इनकम आपको ही पता है काफी डिपेंड करता है व्यूज या तो कोविड के टाइम में काफी कम हो गया था वगैरह, सो बट लाइक मैं बता देता हूँ टोटल इनकम जो मतलब आज से जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मंगोलिया में, तो मैं अगस्त 2019 से लेके मान लो आप नवंबर 2020 तक मेरे टोटल पैसे आए हैं यूट्यूब एडसेंस से, वो है अराउंड 20 लाख रुपए के आसपास। क्या बात है, तो कैसा लग रहा है कि घूमते घूमते आप अपना एक तो पैशन भी फॉलो कर रहे हो, और आपका जो लाइक अंदर से जो है कि भाई मुझे घूमना है वो भी आपका पूरा हो रहा है, साथ ही साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये फीलिंग कैसी है? ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ और जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। क्या बात है। ओके, थैंक यू शुभम जी। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? लास्ट टाइम एक बात कहना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग फुल टाइम काफ़ी अच्छी है, और समटाइम लाइक प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी आपको फूड नहीं मिलेगा, इंडिया जैसा फूड कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी आप भूखे पेट सोओगे, कभी कभी आप खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप में सच में गट्स फीलिंग है कि आप दुनिया घूमना चाहते हो और अलग अलग देश जाना चाहते हो, थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी वगैरह होगी, अगर आप सच में चाहते हो तो आप दुनिया घूम सकते हो, और दुनिया घूमने के लिए सच कहूँगा तो पैसे की जरूरत नहीं होती है, गट्स फीलिंग चाहिए कि घूम सकता हूँ मैं, और यह दुनिया बहुत खूबसूरत है।
थैंक यू सो मच शुभम जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाली ट्रिप के लिए आपको शुभकामनाएं और आपकी यात्राएं सभी मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शुभम जी के साथ जो भी हमने बातचीत करी आपको पसंद आया होगा, शुभम जी से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। आप किसी भी काम को अगर लगन से करना चाहे, एक आपके अंदर एक जुनून है कि आपको करना है तो आप कर लोगे, उम्र मैटर नहीं करता, क्योंकि भाई 17 साल की एज से घूम रहे हैं, अभी 19 साल की उम्र है, तो यार 19 साल की उम्र में इतनी सारी कंट्रीज़ को घूम लेना अकेले, और वो भी बिना पैसे खर्च किए, मतलब कम पैसे में इन्होंने घूमा है, और ऑलमोस्ट इन्होंने ज़्यादातर ट्रैवलिंग लैंड बाई लैंड करा है, बाई रोड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, बता दो दुनिया को कि ऐसे ऐसे जवां हैं, हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, शेयर कर दो। और जितने भी लोग शुभम भाई की तरफ से आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।